सो हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं डिजी लॉकर के बारे में और डिजी लॉकर पे किस प्रकार से अकाउंट को बनाना है, किस प्रकार से उसमें रजिस्टर करना है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे प्रोसेस अगर हमारे तरफ पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि डिजी लॉकर ये जो एप्लीकेशन है, डिजी लॉकर अकाउंट है, ये डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर है जहां पर आप अपना किसी भी पर्सनल डॉक्यूमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट को आप सुरक्षित लॉकर करके रख सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं, जो कि आप लोग का होता है डिजी लॉकर। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर स्कूल से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, आप सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके और सुरक्षित आप सिक्योर रूप से आप अपना डिजी लॉकर पे अपना डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको डिजी लॉकर पे अकाउंट को बनाना होता है, रजिस्टर करना होता है, तो इसके बाद ही आप अपना डॉक्यूमेंट को उस पे रख सकते हैं। या फिर कहीं भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने में, या फिर कोई भी योजना या फिर कोई भी फॉर्म को फिलअप करने में आप लोगों को डिजी लॉकर की जरूरत होती है, वहां पर भी आप लोगों का डिजी लॉकर पे अकाउंट बना होना चाहिए, तो ही आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी पीएम इंटर्नशिप योजना का फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें अगर आप लोगों का डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो ही आप उसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप डिजी लॉकर पे अकाउंट बना सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो देखिए, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है डिजी लॉकर। आप जिस डिजी लॉकर को सर्च करेंगे तो यहाँ पर डिजी लॉकर का अकाउंट जो है वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इसके बाद आप लोगों को ओपन करना है। आप जिस डिजी लॉकर अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर इंग्लिश रखना है या फिर हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं आप अपना लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर रखा हूँ। इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सभी को आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद लेट्स गो के ऑप्शन लिस्ट में देखने को मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा। नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन, देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आधार कार्ड का हो गया, कोविड सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, आप सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिक्योर कर रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट को बनाने के लिए क्या करना होगा, अकाउंट को बनाने के लिए यहाँ पर नीचे में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिया हुआ है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यही क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन के ऊपर क्लिक करके और क्लिक कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नया अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फुल नेम को एंटर करना है, जो भी आप लोग का नाम है, नाम को फिलअप कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आप लोग का जन्मतिथि होगा, जन्मतिथि को फिल कर देना है। इसके बाद जेंडर आप लोग का बोला जा रहा है, आप अपना जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और अपना जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। और आप इसी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में आप लोगों को बताया जा रहा है जेंडर को सिलेक्ट कर रहा है, मेल है फीमेल है। इसके बाद यहाँ पर नीचे में आप लोगों का जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर को यहाँ फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए ईमेल आईडी का ऑप्शन बोला जा रहा है, यानी यहाँ पर ये स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है, ये कंपलसरी है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी दे सकते हैं और ऐसा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिन बनाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पर सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन यहाँ पर बनाने के लिए बोल रहा है, जो कि आप 6 अंकों का यहाँ पर पिन बनाइए। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में सब कुछ डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे में जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यही सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जिस सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों का जो अकाउंट है डिजी लॉकर में और सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएंगे, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा कि साइन इन टू योर अकाउंट नंबर, यानी आपको लॉग इन करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया जाएगा, मोबाइल नंबर, यूजर नेम और आधार नंबर। जिसे भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करके और ओपन करेंगे तो इसके बाद आप लोग का जो पेज है डिजी लॉकर में आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे। और लॉग इन होने के बाद देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मैं फाइनली लॉग इन कर लिया हूँ। लॉग इन करने के बाद आप जिस भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर जिस प्रकार से मेरा आधार कार्ड अभी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर क्लास 12 का मार्कशीट, इस प्रकार से आप जिस भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहेंगे
तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए सर्च के ऊपर क्लिक करके और जो भी डॉक्यूमेंट को आप सर्च करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट का उपयोग करके रखना चाहते हैं, आप उसको सिक्योर करके और डाउनलोड करके और आप सक्सेसफुली सिक्योर तरीके से रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप डिजी लॉकर में अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों यही था डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने का फुल प्रोसेस वीडियो। आशा है कि सब जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।